आपका स्वागत है। सवाल आपका दबाव आपके लिए मांगी सूचना मिली मौत पिछले अंक में मैंने चर्चा की थी सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले से संबंधित विषय पर मुरादाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग के उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में केंद्र और दिल्ली सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न जेल भेजे जाने एवं उनकी हत्या का ब्यौरा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए जाने के बारे में जानकारी देने से मना किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में सीबीआई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय मामले में उच्चतम न्यायालय ने 9 अगस्त 2011 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के पैरा 37 की उद्धृत करते हुए कहा कि सभी तरह की ऐसी विविध सूचनाएं जो सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं हो उनके लिए आरटीआई कानून के तहत अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग या निर्देश प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होंगे। इससे प्रशासन की दक्षता में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप जानकारी इकट्ठा करने और प्रस्तुत करने के गैर उत्पादक कार्य के साथ काम करने वाला अधिकारी फंस जाता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने या अपने नागरिकों के बीच शांति और सामंजस्य को नष्ट करने के लिए इस उपकरण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, न ही उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के प्रति ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न या धमकाने के उपकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्र ऐसा परिदृश्य नहीं चाहता है जहां सार्वजनिक प्राधिकार के कर्मचारियों का 75% उनके नियमित कर्तव्यों का निर्वाह करने की बजाय आवेदनों को इकट्ठा करने और जानकारी प्रस्तुत करने में खर्च होता हो। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केवल वैसी सूचना ही प्रदान की जा सकती है जो लोक प्राधिकार के पास मौजूद हो और उसके नियंत्रण में हो। इस बारे में आरटीआई के तहत पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन भेजा गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस बारे में कार्यालय को आवेदन प्राप्त हुआ है और इसे सूचना का अधिकार की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई के लिए अंतरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया था। आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौत की लंबी सूची है, शेष अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा। रांची ऑब्जर्वर के प्रत्येक अंक को गंभीरता से देखते रहे। सवाल आपके, जवाब आपके लिए में आपके उलझनों का समाधान का प्रयास किया जाता है। यदि कोई प्रश्न आपको करना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसके तुरंत बाद देखें बिरसा मुंडा भ्रष्टाचार निरोधक संगठन झारखंड की ओर से ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज झारखंड सरकार में कनीय अभियंता लेखा लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की अनुबंध पर बहाली में व्यापक गड़बड़ी के आरोप सरकार पर लगे हैं।